नमस्कार दोस्तों, खास खबर ये है कि उत्तर कोरिया में कोरोना संक्रमण का पहला केस, दक्षिण कोरिया अवैध तरीके से आए शख्स से मिले लक्षण। जैसे कि उत्तर कोरिया ने पुष्टि की है, देश का पहला कोरोना वायरस केस मिलने पर शक है। जैसे कि ऐसे ही बात करने वाले हैं, इसी के अनुसार बॉर्डर पर पाक उत्तर कोरिया के दाखिल हुए एक शख्स के कोरोना का लक्षण मिले हैं। नॉर्थ कोरिया की सरकारी ऐसे की बात करने वाले हैं, मामला सामने आने की किंग जोन की बात करें तो बॉर्डर में लगी शहर केसों को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसी के जरिए मिली जानकारी के अनुसार जिस शख्स पे कोरोना वायरस का लक्षण मिले हैं वो 3 साल पहले दक्षिण कोरिया भाग गया था। वह अवैध तरीके से देश में दाखिल हुआ है। केसीएन मुताबिक के अनुसार मौजूदा स्थिति संभालने के लिए प्रस्तावित इलाकों को इमरजेंसी लगा दी गई है। बात करेंगे, उत्तर कोरिया अब तक के दावा करता है कि ये देश में अब तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन ऐसे में संदिग्ध केस पॉजिटिव निकलता है तो कोविड-19 के नॉर्थ कोरिया का पहला मामला होगा। KCNN के अनुसार केसोंग शहर में कोरोना संदिग्ध शख्स संपर्क में आए हैं और सभी लोगों की जांच की जा रही है। ऐसे में क्वारंटाइन किया गया है, साथ ही पिछले 5 दिनों में शहर आने वाले लोगों को क्वारंटाइन का रहना उनकी जांच की जा रही है। किम ने कहा है कि महामारी की सुरक्षा के लिए पिछले 6 महीनों से पूरे देश में दिए गए तमाम इंतजाम के बावजूद भी संदिग्ध मामला आने लगा है। ऐसे में बात करेंगे, संभव कि वायरस देश में आ गया तो बताया जा रहा है कि किम जोन इस बात से भी जांच के आदेश में कैसे यह संदिग्ध उत्तर कोरिया में घुसा। नॉर्थ कोरिया जनवरी में कोविड-19 के खिलाफ नेशनल इमरजेंसी सिस्टम के शुरुआत, जैसे कि इस तरह बॉर्डर बंद किए गए थे, क्वारंटाइन के इस समय नियम का सख्त किए गए हैं।